हेलो भाई जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह बंदे 4265। हम पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से 20 किलोमीटर पीछे हम चंडीगढ़ होटल पे रुके थे, नाश्ता नुश्ता किया भी, तो निकले हैं यहाँ से हाईवे पे, खींच के रखेंगे गाड़ी, शाम को सिल्लीगुड़ी पार करेंगे, रात को गुवाहाटी। ये है भाई, ये अररिया वाला रोड और ये चला गया पूर्णिया वाला। ये हम अररिया वाले रोड पे आ गए सिल्लीगुड़ी वाले पे, 137 किलोमीटर सिल्लीगुड़ी यहाँ से। और देखो रोड, देखो 4 लेन बन चुकी है सारी, नहीं तो यहाँ पे कितना जाम होता था आपको पता है, जो भाई पहले आए होंगे। अब देखो भाई इस रोड की लुक, देखो भाई कितना बढ़िया, साफ सुथरा बिल्कुल और बढ़िया, इतना ज्यादा चमक रहा है रोड, आंखों में पड़ रही है इसकी चमक, सीमेंट का रोड है ना, आंखों में चमक पड़ रही है। पीछे टमाटर वाली गाड़ियां आ रही थी, वो भी हमने पास कर दी, 2 गाड़ियां टमाटर की पीछे में आ रही हैं, वो हमने भी खींच के रखी हुई है गाड़ी। वेस्ट बंगाल की खूबसूरती चाय पत्ती के बगान, ये देखो कितने बड़े 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 खेत पड़े हुए हैं सारे चाय पत्ती के, दोनों साइड में चाय पत्ती है भाई, इस साइड में भी। और रास्ता देखो कितना प्यारा लग रहा है, बीच में कितना सुंदर लग रहा रास्ता, ये देखो चार मगे आगे पीछे जिधर भी देखोगे आपको चाय पत्ती दिखेगी सारी, ये देखो इस साइड में दूर तक चाय पत्ती के खेत हैं, दूर दूर तक, क्योंकि ज़्यादा चाय पत्ती जो बंगाल से ही आती है, चाय पत्ती जितनी आती है वेस्ट बंगाल से ही आती है ज़्यादा, ये देख सकते हो। रास्ता देखो कितना प्यारा लग रहा है, पहुंचे हैं ब्रह्मपुत्रा पुल पार करके आ गए, और ये टायर हमारा फट गया, टायर ये वाला टायर अंदर से फट गया, तो अभी खोल रहे हैं लिफ्ट वाला, खोल के लगाएंगे इसको, क्लेम होता कि नहीं होता, साइड से फटा, तो ये वाला अभी चढ़ाया हमने, रबड़ वाला चढ़ाया, 2 टायर हमारे आते हुए फट गए थे पहले, अभी एक ये फट गया, साइड से फटा है। गुवाहाटी भाई पार कर रहे हैं, गुवाहाटी इनाम के चक्कर चक्कर में 3 टायर पार दिए हमने, 20,000 रुपया इनाम है, 21,000 रुपया 75,000 के टायर खराब कर दिए, क्या करें, क्या करना है ऐसे इनाम को भाई इनाम के चक्कर में, अभी ये नाम मिलना भी है कि नहीं मिलना वो भी पता कोई नहीं, अभी आगे जाके सोनापुर में कितना जाम लगेगा, क्या गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, आगे क्या करेंगे, क्या बनता है। डलवाया तेल हमने, यहाँ से तेल डलवा लिया हमने, अभी तेल डलवा के तो निकलेंगे यहाँ से, आगे सीधा हाफ लॉन्ग होके जाएंगे, सारा मूड ऑफ हो गया हमारा, टायर फट गया, मूड ऑफ हो गया हमारा, क्या करें, अब जा रहे हैं फिर भी, जाना तो है ही गाड़ी लेके, नाम के चक्कर में, ये तो 8वें दिन गाड़ी पहुंची है, 8वें दिन टायर चाहिए भाई बिल्कुल नए, और 2 जोड़ियां ऊपर चाहिए टायर की, छत के ऊपर रखी चाहिए, तो जहाँ पे पड़ी वहाँ पे उतारी गाड़ी, गाड़ी खड़ी नहीं होती है, खड़ी होगी गाड़ी तो टाइम मिलेगा गाड़ी को, तो गाड़ी के टायर ठंडे होंगे थोड़े, गाड़ी के टायर ही नहीं ठंडे होते, तो कहाँ से गाड़ी के टायर जवाब नहीं देंगे, टायर तो जवाब देंगे देंगे, कैसे चलेंगे, बहुत मुश्किल है, 8वें दिन से पहले गाड़ी नहीं पहुंची भाई, 8 दिन फिर भी हमने 3 टायर पार दिए, 75,000 के टायर हैं, कभी भी गलती नहीं करना भाई, मेरे गलती कभी नहीं करना भाई, नाम के चक्कर में गाड़ी की पूरी हालत मत कर देना भाई, बहुत खस्ता हालत हो जाती भाई, अभी लिफ्ट का उतार के लगाया, लिफ्ट उठाई हुई है ऊपर, अभी 25,000 रुपया होगा तो 1 टायर आएगा, कहाँ से लाएंगे 25,000 रुपया, 50,000 के पीछे चढ़ा के आए, चला गया मंगालिया से
अरे हाफ लॉन्ग वाला आ गया, आज आपको हाफ लॉन्ग वाला भी रोड दिखाएंगे, किसने नहीं देखा उसको हाफ लॉन्ग वाला रोड दिखाएंगे। आज जा रहे हम वाहेगुरु का नाम लेके नौगाम वाला रोड, नौगाम गुवाहाटी वाला रोड, फोर लाइन बन चुकी है सारी भाई, ये देखो हाफ लॉन्ग वाला रोड है, लॉमडिंग पड़ती है जगह, यहाँ से आगे भी 28 किलोमीटर पड़ती है लॉमडिंग, ये वही जंगल है, तो वहाँ से आगे एंट्री होती है, एंट्री करवा के गाड़ी निकलेगी, यहाँ से रह गया 25-30 किलोमीटर रह गया, उसके बाद वहाँ पे एंट्री करवाएंगे, एंट्री करवा के निकलेंगे, ये सारा जंगल है, बाकी फोर लाइन है सारी, हांसी महाराज जंगल जैसे। ये जो रास्ता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद जा रहे होते हम, हैदराबाद जाओ ना तो ये रास्ता ऐसे आता है, वहाँ पे जंगल पूरे देखो वैसे ही है, सिलचर है यहाँ से 258 किलोमीटर, ये देखो सामने लगा है बोर्ड सिलचर हाफ लॉन्ग, ये सारा अभी आने वाला आगे नाका वगैरह, वहाँ पे एंट्री वगैरह होगी, एंट्री करवाएंगे फिर आगे निकलेंगे, टाइम हो चुका है 1:15 का, अभी टोल छोल पार कर दिया हमने, लॉमडिंग का टोल टूल पार कर दिया, अभी आएगा आगे जहाँ कांटा करवा लेंगे, कांटा ये इधर आंदे कंडा कंडे पर आंदे कड़ी, यहाँ पे करवाएंगे कांटा। लॉमडिंग पार करके आए आगे, अभी चढ़ाई आ गई है, सिंगल रास्ता आएगा आगे, पहाड़ी एरिया आ गया सारा, तो भाई नजारे इधर और इधर चढ़ रहे, इधर देखो नजारे हैं, अपना बंबू लगा हुआ है, बांस दोनों साइड में बांस लगा हुआ है, बंबू इस साइड में तो खाई है खाई। यहाँ पे अभी स्टाफ लगाया हमने गुवाहाटी से चल के, थोड़ा भाई जहाँ पे हमने टायर बनाए थे, टायर बनवा के आगे पीछे करके चेंज किए थे टायर, तो वहाँ से चले थे, अभी यहीं पे स्टाफ लगा हमारा, तो वो पीछे हमारे भाई साहब वो भी सोच रहे होंगे गाड़ी रोक नहीं रहा ये, लेकिन छाँव नहीं मिल रही थी हमें, छाँव मिली अभी, थोड़ा साइड में लगाई है मैं, चलो टायर वगैरह ठंडे हो जाएंगे थोड़े, तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाकी है पहाड़ी एरिया सारा। हाफ लॉन्ग होके आओगे तो इधर से भी आपको एक टनल मिलेगा, देखो ये हाफ लॉन्ग वाला टनल है, देखो पहाड़ काट के इधर भी बनाया हुआ है, ये भी लंबा है काफी मेरे हिसाब से, दूर तक है, ये हाफ लॉन्ग वाला रोड है भाई, सिलचर जाने वाला, नौगाम से मत सोचना हम श्रीनगर आ गए, श्रीनगर नहीं है, उधर ही हैं, हाफ लॉन्ग ही बैठे हैं, जा रहे हैं अभी हाफ लॉन्ग पहुंचने वाले हैं, देख सकते हो हाफ लॉन्ग वाला टंडल खत्म हो गया भाई, आगे थोड़ा सिंगर रोड आएगा, अभी 50-60 किलोमीटर सिंगर रोड आएगा, इधर ये वाला रोड आता है सिंगल रोड, यहाँ से शुरू होता है ये सिंगल रोड आता है, तो इधर से बन रहा है रोड, अभी काम लगा हुआ है, इस रोड पे थोड़ा टाइम लगता है, बस ये थोड़ा सा है बीच में, उसके बाद फिर आगे में फिर थोड़ा डबल है, फिर उसके बाद फिर सिंगल आएगी आगे, ये देखो भाई मत्था है पूरा, मत्था एकदम मत्था है पूरा,
एक नंबर चढ़ती है गाड़ी में। ये देखो ये रोड है भाई, सिंगल रोड है ये वाला। ये देखो सिंगल रोड है भाई। ये देखो भाई ये रास्ता है बस, बड़ा खतरनाक क्योंकि रास्ता भाई इधर भी तो है अपना हाफ लॉन्ग वाला काम लगा हुआ है इधर भी। भी काम लगा हुआ है, हालत तो खस्ता ही है इस रोड की भी। काम वर्क हो रहा है यहाँ पे भाई, काम चल रहा है पूरा, डबल लाइन फोर लाइन का सिंगल रोड है जो हाफ लॉन्ग वाला, ये सिंगल रोड है बस, ऐसा रोड है ये 30-40 किलोमीटर होगा, 40-50 किलोमीटर ऐसा ही रोड मिलेगा आपको। बस वहाँ मगाले वाले खड्डे ज़्यादा है, ये कम है, ये है थोड़ा ठीक है, मगाले वाले रोड से थोड़ा ठीक है, बाकी ऐसा ही मिलेगा आपको सारा। काम लगा हुआ है पुल का यहाँ पे, रोड बन रहा है, बन गया तो इससे बढ़िया रोड ही नहीं कोई होगा, मगालिया में जाएगा कोई नहीं, यहीं पे इसी साइड में चलेंगे सभी। हाफ लॉन्ग वाला देख लो, सिंगल रोड जंगल दोनों साइड में, आदमी ना आदमी की जात, कोई नहीं मिलेगा आपको रात को यहाँ पे, कोई भी नहीं मिलेगा। HR होटल के पास पहुंचे हम, ये HR होटल है, HPR बोल रहे हो, HPR होटल है ये। हम पहुंचे अभी आगे, धर्मनगर खाली होगी, चल रहे अब चेकिंग चुकिंग करवाएंगे, बॉर्डर पे चेक करवा के तो निकलेंगे वहां से। ये अभी हम पहुंचने वाले हैं बॉर्डर के ऊपर, मौसम देखो यहाँ पे धुंध पड़ी हुई है, शाम को मौसम बढ़िया हो जाता है यहाँ पे, लेकिन दिन को गर्मी जितनी होती है ना यहाँ पे, क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। पहुंच चुके हैं हम चराई वाली बॉर्डर, रस्सा कर रहे हैं खोले है? क्यों उत्थे कड़ने बजे कर दी। ये है बॉर्डर भाई चराई वाली, जाम देखो कच्चे माल वाली गाड़ी इस साइड में, फिर भी कितना जाम लगा हुआ है, और इस साइड में उस साइड में देखो अभी कितनी गाड़ी है, उस साइड में बहुत गाड़ी है। दोनों साइड बड़ा पड़ा हुआ है भाई गाड़ियों के साथ, कैसे पूरे क्रेट ऊपर नीचे कर देते हैं, ये देखो सारे क्रेट ऊपर नीचे किए हुए हैं, माल सारा ऊपर नीचे होता है, फिर जाके चेकिंग होती है तो छोड़ते हैं गाड़ी। देखो कैसे क्रेट उठाए हुए हैं ऊपर नीचे तक देखते हैं, पूरा नीचे तक देख के फिर गाड़ी छोड़ते हैं, देख सकते हो आप। त्रिपुरा बॉर्डर चढ़ाई वाली बॉर्डर, और ये देखो दलाल खड़े हैं सारे, ये जो आगे जा रहे हैं जितने भी सारे दलाल हैं, ये गाड़ियाँ जो पार करवाते हैं सारे, देख सकते हो। त्रिपुरा से आगे धर्मनगर से पीछे वाला रोड है थोड़ा, ऑटो देखो कैसे फंस गया है बीच में, वो देखो ऑटो साइड से निकाल रहा था लेकिन उधर ही बैठ गया, बहुत ही गंदा रोड है ये। चलना तू चलना करना के बे, सेंटर ला दे देख, ऑटो पूरा बैठ गया। ऑटो का देखो 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 ऑटो देखो बैठ गया पूरा, एक इधर फंस गया एक उधर फंस गया, उसने उसने भी केला कोला भरा हुआ है, बजरी भरा हुआ है, बैठ गया बैठ गया। ओ मोटरसाइकिल देखो, ये देखो हालत रात से, इसको किसने बोला इधर से जा, ये देखो भाई कैसे घुस गया पूरा ही नीचे, बहुत ही खस्ता हालत है रोड की भाई।
धर्मानगर वाला रास्ता, धर्मानगर वाला, ये देखो धर्मानगर वाला रास्ता जा रहे हैं धर्मानगर अभी। अजी भाई जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं धर्मानगर। ये धर्मानगर है, यहाँ पे अभी गाड़ी लगा दी हमने 9 बजे। 9 बजे का टाइम अभी, तो 10 बजे का टाइम था मंडी का, 9 बजे गाड़ी हमने खुला दी यहाँ पे। तो ऐसे तो हम रात को आ गए थे अपना करीमगंज में, वहीं पे खड़ा करवा दिया था गाड़ी, उन्होंने बोला वहीं पे रखो, सुबह बताएंगे। फिर सुबह हमें फोन आया था भाई यहाँ पे ले आओ गाड़ी, तो हम लेके आए हैं गाड़ी अभी। तो देखो अभी खाली करेंगे यहाँ पे, कितना टाइम लगाते हैं वो अभी पता चलेगा। भैया कितना टाइम लगेगा? अभी आ जाएगा। नहीं अभी भैया बैठे हैं, भैया कितना टाइम लगेगा? अभी आधा घंटा के पहले लेबर आ जाएगा। ठीक है भाई। और ये छालू जी बैठे हैं, देखो